आईपीएल 2022 का आगाज बस अब कुछ ही दिन दूर है। सभी टीमों ने अपनी तैयारियां भी अच्छे तरीके से लगभग पूरी कर ली है। अब तैयारियों के साथ साथ सभी खिलाड़ी इस बार अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंडियन प्रीमियर लीग इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। कोई भी खिलाड़ी इस लीग को मिस करना नहीं चाहता है, चाहे वो देसी हो या फिर विदेशी। खिलाड़ियों की अगर बात करें तो हर साल करीब हजारों खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही गिने चुने खिलाड़ियों का हो पाता है। इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जो खिलाड़ी की जिंदगी रातों रात बदल कर रख देती है। आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी। उस समय आईपीएल में 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन जिस टीम ने उस साल आईपीएल का खिताब जीता था वो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि काफी चर्चा में है, लेकिन वो खिलाड़ी आईपीएल का पहला विजेता कप्तान था और शायद ही कोई ये बात जानता होगा। तो चलिए थोड़ा आप भी गेस करिए, क्योंकि हम तो आपको उस खिलाड़ी का नाम बताएंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी उस खिलाड़ी का नाम हमें बताएं। तो चलिए आपको बता दें कि वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शेन वॉर्न है। शेन वॉर्न आईपीएल टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। भले ही कप्तानी के मामले में आज धोनी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन 2008 में शेन वॉर्न ने अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को खिताब दिलाया था। उस समय भी धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हुआ करते थे। जैसा कि आप भी जानते हैं, शेन वॉर्न का निधन हो गया है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट जगत में ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो कि शायद ही कोई कर पाएगा। शेन वॉर्न ने अपने आईपीएल करियर में 29 मैचों में 57 विकेट अपने नाम किए हैं। और अगर बात करें उनके टेस्ट करियर की, तो आपको बता दें कि शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2005 में ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में 600 विकेट का सफर पूरा किया था। 2006 में इंग्लैंड के ही खिलाफ मेलबर्न में वॉर्न ने 700 विकेट का आंकड़ा भी पार किया था। टेस्ट क्रिकेट में वॉर्न को सबसे ज्यादा कामयाबी इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। अंग्रेजों के खिलाफ वॉर्न ने 36 टेस्ट में 23.25 की औसत से 195 विकेट लिए थे। हालांकि भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा ही फीका रहा है। भारत के सामने वॉर्न 14 टेस्ट में सिर्फ 43 विकेट ही ले पाए हैं। शेन वॉर्न की अगर आपको सबसे खास बात बताएं, तो बता दें कि शेन वॉर्न को स्पिन का बादशाह कहा जाता है। एक बार की बात है जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का एक मैच खेला जा रहा था। इस मैच में शेन वॉर्न ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे देखकर सभी चौंक गए थे। कहा जाता है कि वॉर्न की ये गेंद 90 डिग्री तक घूम गई थी, लिहाजा इसे बॉल ऑफ द सेंचुरी का नाम भी दिया गया था। तो चलिए ये तो थी हमारी तरफ से आपके लिए खास पेशकश, लेकिन आपको हमसे क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें पता है हमारे व्यूअर्स के मन में कुछ ऐसे सवाल घूमते होंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स घूमते होंगे जिनका वो हमारी तरफ से इंतजार करते होंगे वीडियो आने का। इसलिए मैं चाहूंगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको उस टॉपिक पर नई अपडेट दे पाएं। तो इसी के साथ धन्यवाद।